नमस्कार, विशेष कवरेज में आप सभी का स्वागत है। दरभंगा जिला से सेवा दल दरभंगा जनाधिकार पार्टी देख सकते हैं कैसे ये महिलाएं और जो जनाधिकार पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो सभी 24 घंटे लगे रहते हैं कि कहां पर खाना पहुंचाना है और कैसे खाना बनना है, स्वच्छ और सुंदर खाना बनाकर लोगों को परोसना। ये लगातार पिछले लॉकडाउन में भी चला था और मुन्ना खान जो पूर्व जिला अध्यक्ष हैं वो लगातार सेवा में लगे हुए हैं। एक बड़ी बात बता देते हैं कि बिना स्वार्थ के, खासकर बिना स्वार्थ की अगर बात करें तो मुन्ना खान लोगों को खाना पहुंचाते हैं, जगह जगह जाकर उनके कार्यकर्ता खाना, पिछले लॉकडाउन से ये चला रहा है सिलसिला, या लोगों को कच्चा राशन पहुंचाना हो या पका हुआ खाना पहुंचाना हो, ये सभी कार्यकर्ता मुन्ना खान के लगे हुए हैं सेवा दल में। जनाधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव इस वक्त DMCH में भर्ती हैं, जहां भी वो लोग दिन रात खाना पहुंचा रहे हैं। लोगों को खाना पहुंचाने के साथ ही उन्हें बता देते हैं स्वच्छ और सुंदर खाना भी दिया जाता है। विशेष कवरेज आप देख सकते हैं कैसे यहां पर खाना तैयार हो रहा है और ये बड़ी बात है, खासकर दरभंगा जिला में इस तरह के कार्यकर्ता, इस तरह के लोग ऐसे भी हैं जो समाज के गरीब वर्ग के लोगों का ख्याल रखते हैं, भूखे लोगों का ख्याल रखते हैं, जिसके पास खाना नहीं है उसका ख्याल रखते हैं और ऐसे लोगों तक खाना पहुंचाते हैं। मुन्ना खान खुद यहां पर लगे हुए हैं और देख सकते हैं पैकेट बुक करवा रहे हैं, खाना अच्छे से बनवा रहे हैं। विशेष कवरेज आप देख सकते हैं, शेयर और सब्सक्राइब इस चैनल को जरूर करिएगा। इंटरव्यू आपको सुना रहे हैं सेवा दल जनाधिकार पार्टी सेवा दल की तरफ से, कि जो लोग कोरोना के पेशेंट को लेकर अटेंडेंट बाहर खड़े हैं, उनके पास कोई खाने के लिए नहीं है, उनके पास कोई आदमी को खिलाने के लिए नहीं, होटल बंद है, पूरा बनी की दुकान बंद है, तो उन लोगों को खाने में बहुत तकलीफ हो रही है, इसीलिए उनके लिए खाना बना के भेजा जा रहा है। दूसरी बात यह है कि इससे ये खाने के साथ साथ शांतिपूर्ण तरीके से मेरा विरोध भी जता रहे हैं। जो पप्पू यादव को, जो सेवक है, जो बिहार का सेवा करता आ रहा है, उसको जो उन लोगों ने गिरफ्तार किया, उसको अविलंब रिहा करे, और जो दोषी है एम्बुलेंस चोर जो है हमारा राजीव प्रताप रूढ़ी, उसको गिरफ्तार करे। हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं और किसी परिस्थिति में हम लोग पप्पूवादी लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपना काम करते रहेंगे। ये खाना कितने लोग बना रहे हैं, कितने टाइम बना रहे हैं और कहाँ कहाँ भेज रहे हैं आप लोग? ये दो टाइम ये खाना बन रहा है, लगभग 6 लोगों की टीम है जो खाना बनाती है और लगभग जो है 14 लोग ऐसे हैं जो खाना पैक करते हैं पूरे सावधानी के साथ। इस कोरोना काल में उन लोगों की सुरक्षा कैसे कर रहे हैं आप? उन लोगों की सुरक्षा हम लोग सैनिटाइज करते रहते हैं, हाथ में मास्क होता है, उनके सर पर टोपी होता है, मुंह में मास्क लगा हुआ होता है, हाथ में दस्ताना होता है, सारा चीज जो प्रॉपर वे में होता है, ताकि हम जो बांटने जा रहे हैं तो कोई ये कहीं हो सकता है कि हम भी न हो जाए, उसे इन्फेक्टेड हो जाए, इसलिए हम लोग पूरी तरह के साथ उनको भेजते हैं ताकि आगे उनके साथ भी कुछ नहीं। कहाँ कहाँ बांट चुके हैं और कहाँ कहाँ बांट रहे हैं जी? हम लोग हमेशा एक जगह हम लोग ने टारगेट किया है, जो आइसोलेशन डिपार्टमेंट है DMCH का, कोरोना आइसोलेशन डिपार्टमेंट, उसके बाहर बांटते हैं, फिर हम लोग गनी वार्ड में बांटते हैं, फिर उसके बाद जो बस्ता है उसके बाद हम लोग स्टेशन बांटते हैं ताकि गरीबों को मिल सके। खाने में क्या आइटम है? तो हम लोग हर कुछ अलग अलग हर दिन बदल के देते हैं। अभी सवेर के नाश्ते में पूरी है, हलवा है और साथ में अचार। इसमें पानी भी दे रहे हैं या सिर्फ खाना ही? नहीं, सिर्फ खाना दे रहे हैं, पानी अभी तक तो भाई किसी ने नहीं मांगा, पानी भी हम लोगों ने सोचा। क्या नाम है आपका? डॉक्टर अब्दुल सलाम खान, पूर्व जिला अध्यक्ष जनाधिकार पार्टी।